देखिए क्या कह रहा है, 8 persons कैन स्टे इन ए क्यूबिकल रूम। रूम कैसा बेटा? क्यूबिकल। अब इस स्कॉलर रोजरी क्लास 9th में भी ये क्वेश्चन आया, इस तरह का केस स्टडी आया था, वो मैं आपको भेज दूंगा। 8 persons कैन स्टे इन ए क्यूबिकल रूम, ईच पर्सन रिक्वायर दिस मच सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हर एक बंदे को इतनी हवा चाहिए, तो टोटल हवा रूम में कितनी होगी? 8 × 27। क्या होगा 8 × 27 बेटा? 5 1 2 नहीं 2 1 6। तो लॉजिकली हमें इस क्यूबिकल रूम का वॉल्यूम पता लग गया। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बोलो? साइड क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बोलो? साइड क्यूब। या एज क्यूब, कई बार यूं भी लिखते हैं हमें। साइड क्यूब की वैल्यू लॉजिकली 216 है, तो साइड कितनी आ गई? क्यूब रूट ऑफ 216। सर वैसे ही गलत है ना, क्योंकि पर्सन का भी तो कुछ वॉल्यूम होगा। ये 6 सेंटीमीटर हमें साइड पता लग गई। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पर्सन के अपने एक्चुअल वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन में हमें किससे मतलब होता है कि उसे कितनी हवा चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है हमारा 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, हो गया।